तो चलिए सो लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले इस स्मार्ट ब्रेसलेट का अनबॉक्सिंग देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशन और जानेंगे ये जो स्मार्ट ब्रेसलेट है कैसा है अपने प्राइसिंग के हिसाब से। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और करिए ताकि आपको हमारी वीडियो पे सब नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो स्मार्ट ब्रेसलेट है ये मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाया था दोस्तों, ये जो है आज ही डिलीवर हुआ था। चलिए वीडियो में आगे इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके बॉक्स कंटेंट्स है और ये जो स्मार्ट ब्रेसलेट है अपनी प्राइसिंग के हिसाब से कैसा है। चलिए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है वही स्मार्ट ब्रेसलेट का बॉक्स है, तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग बॉक्स को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बॉक्स जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस बॉक्स को भी हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लाइक करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है वो मेन बॉक्स है जिसको आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले जो कि स्मार्ट ब्रेसलेट का। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। ये जो है मैंने क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर किया था जैसे कि मैंने आपको बताया था। दोस्तों इसको जो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, यहीं से कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है कुछ ऐसा ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वही स्मार्ट ब्रेसलेट। इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है हाउ टू कनेक्ट के लिए। तो इसको भी रखते हैं साइड में क्योंकि इसका कनेक्शन टाइमिंग बाकी सब तो मुझे पता ही है। इसको भी रखते हैं साइड में और अब देखते हैं बॉक्स में, तो हमें और कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो बॉक्स है इसको भी रखते हैं अब साइड में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है ये स्मार्ट ब्रेसलेट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यावर हेल्थ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन में कुछ कुछ हाईलाइट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो आपको 1.3 इंचेस का देखने को मिलेगा, एक TFT वाला डिस्प्ले जिसका की रेजोल्यूशन होने वाला है वो होने वाला है 240x240। दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसमें मास्टर चिप भी आपको देखने को मिलेगा और चार्जिंग के लिए इंटरफेस जो आपको देखने को मिलेगा वो USB का देखने को मिलेगा। डेटा रिसीवर टाइम इसमें आपको 1 मंथ का देखने को मिलेगा और इसका जो वेट है 27 ग्राम का है। दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 150mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और इसका जो चार्जिंग टाइम होने वाला है वो होने वाला 2 आवर्स का। स्ट्रैप मटेरियल वो यहाँ पे TPU यूज किया गया है, उसका जो डायमेंशन है वो भी मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसे कुछ कलर वेरिएंट्स लिखे हुए जैसे कि रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये सारे जो वेरिएंट्स है ये अवेलेबल है। बट दोस्तों हमारे पास जो वेरिएंट है वो हमारे पास है ब्लैक वेरिएंट। चलिए आप बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग बॉक्स ओपन करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्मार्ट वॉच और इसका जो स्ट्रैप है वो देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है ये स्मार्ट वॉच और ये है इसका स्ट्रैप। आप देखते हैं दोस्तों बॉक्स में हमें और क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बॉक्स में यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है जो कि इंग्लिश और चाइनीज में है। दोस्तों फ्रंट में आपको इंग्लिश और बैक में यहाँ पे चाइनीज देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये जो यूजर मैनुअल है ये बहुत बड़ा है तो इसको भी रखते हैं साइड में और बॉक्स में। और दोस्तों बॉक्स में तो कुछ नहीं देखने को मिलता, तो चलिए देखते हैं मेन स्मार्ट ब्रेसलेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो वही मेन स्मार्ट ब्रेसलेट है। यहाँ पे आपको जो है इसके स्ट्रैप देखने को मिलेंगे और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो चार्जिंग कंट्रोल होने वाला है वो जो है आपको इसी में ऐसा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको चार्जिंग के लिए देखने को मिलेगा आपको ऐसा चार्जिंग के लिए देखने को मिलने वाला है। इसको जो है आप बस कोई भी पावर बैंक या फिर आपके पास जो चार्जर होगा उसमें तुरंत ऐड कर सकते हैं। केवल एक पार्ट है आप मतलब जिसे चार्ज होता है आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पावर बैंक है। तो दोस्तों अगर आप उसको चार्ज करते हो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, इसको जो बस आपको इसके अंदर पुट कर देना फिर ये जो अपने आप चार्ज होने लगे जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है अब चार्ज हो रहा है। दोस्तों बस इस तरीके से आप जिसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए सो आप जिसके स्ट्रैप से वो लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रैप है इधर साइड लगेगा और ये जो दूसरा वाला है वो इधर साइड लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो इसके स्ट्रैप्स लगा दिए और ये जो है कुछ ऐसा देखने को लगेगा। दोस्तों इसको मैं एक बार अपने हाथ में पहन के देखता हूँ फिर देखता हूँ ये कैसा देखने को लगता है। तो दोस्तों मैं जो हूँ अपने ये जो मी बैंड 4 है इसको खोल लेता हूँ, इसको एक बार पहन के देख लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके हाथ में ये जो है कुछ ऐसा देखने को लगे जैसा कि मेरा हाथ में देखने को लग रहा है। तो दोस्तों बट यहाँ पे आप अगर बेल्ट क्वालिटी की अगर बात करते हैं दोस्तों ये जो बेल्ट क्वालिटी एकदम एवरेज में बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये जो TPU मटेरियल दोस्तों ये उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब एकदम लोअर क्वालिटी का एकदम चीप क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो बेल्ट है ये वाला। तो
चलिए सब इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो मेन स्क्रीन है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको स्टेप्स काउंटिंग भी देखने को मिलेंगे, बीपीएम भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसमें जो है पीछे हार्ट रेट सेंसर भी अवेलेबल है। देख सकते हैं दोस्तों ये जो हार्ट रेट सेंसर है ये अभी वर्क कर रहा है, इसका जिसमें जो आपको हार्ट रेट सेंसर भी देखने को मिलेगा, तो इसे भी स्टॉप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों स्पोर्ट्स मोड में आपको यहाँ पे स्टेप्स, स्किपिंग, सेटअप, बस तीन स्पोर्ट्स मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और मैसेजिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों मोर में जाके देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों मोर में जो पहला वाला है इससे जो है आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो दूसरा वाला ये रीसेट के लिए, और ये जो तीसरा वाला अगर आपको मैक से कनेक्ट करना है तो उसके लिए है। बस दोस्तों मोर में आपको यही सब ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें रिमोट कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस यही इसके कुछ फीचर्स है जिसको आप बोल सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको कुछ दूसरा थीम नहीं देखने को मिलेगा, इसमें केवल आपको एक ही इनबिल्ट थीम देखने को मिलेगा जो कि है ये वाला। तो दोस्तों बस कुछ ऐसा ही होने वाला है ये स्मार्ट ब्रेसलेट। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो दोस्तों इसके जो प्राइसिंग मैंने इसको जो प्राइसिंग में परचेस किया है दोस्तों वो है 799, मतलब 800 रुपीज। दोस्तों इसको जो मैंने परचेस किया है 800 रुपीज में परचेस किया है। अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आपका लाइक करने से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर बस आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स है वो देख सकते हैं जो वॉच को कैसा देखने को लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।